भी समा सतगुरु जी ने बख्शिया सोरठ महला पहला जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के बचन है जिन्नी एक मत बुद्धि महापुरशां ने दित्ती है तो मत बुद्धि परमेशर दी अपनी तो कोई लैके नहीं आया जिदा जीबां ने बुलाउंदा बोली जांदे आ। एक है परमेशर दी मत, एक हुंदी अपनी मत। जिहड़ी परमेशर दी मत है वह गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, जिहड़ी अपनी मत है वह लोग अपनी अपनी लैके तुरे फिरदे लड़ी जांदे नेटां ते। इहनां नूं ना सुणिया करो, नेटां ते कोई कुछ बोलदा कोई कुछ बोलदा, वह मूँह ना निंदिया करके पीते आ, थानू कन्ना ना पला देंदे आ। इहनां नूं सुणिया ना करो, थानू पाप दे भागी बना देना इहनां ने। गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान जिहड़ा है उही लिया करो भाई, वेखो इहदे नालों इहनां नूं ना सुणिया करो। ये तो सारे एक दूए तो चिकड़ सिटी जाते, वह नहीं चंगा वह नहीं चंगा। कभी महापुरशां ने भी किया, कभी बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले ने मूहों कभी सुनिया भी फलाना संत नहीं चंगा या फलाना महापुरश नहीं चंगा। वो महापुरश सारिया ने ब्रह्म समझते सन। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब का जिहड़ा ज्ञान है उही ज्ञान सही है जिहड़ा गुरु नानक साहिब का है। बाकी ज्ञान तो अपना अपना ठीक है, बहुत महापुरशां दे भी ज्ञान है, ग्रंथ है, बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, बड़े बड़े महापुरशां ने ग्रंथ लिखे है, धार्मिक ग्रंथ है, उन्हां विच भी ज्ञान तो मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु अर्जन देव महाराज ने ज्ञान लिख दिता, भंडारा सोरठ महला पहला। सोरठ रागणी आ, सोरठ गौंड मलारी धुनी, पुन गावै आसा गुनगुनी। ऊचै सुरसूहो पुनकिनी, मेघ राग सिंह पंचो चीनी। मेघ राग की स्त्री है, सोरठ रागणी है। रागी सिंघां नूं कहा भी इस नूं तुसीं इस राग दे विच कीर्तन करना। उत्थे हरिमंदर साहब रौला इसे गल दा पैंदा सी, उह कहिंदे तुसीं इन्ने पैसे लैंदे कम से कम राग टाइम दा तां पढ़िया करो कोई। इह रौला चलदा सी उहनां दा राग। राग विद्या के बड़े बड़े जाणू महापुरश होए है। रागी प्रेम सिंह होया आनंदपुर साहब की धरती से, रागी बाग दे विच उहदी समाधि बनी हुई है। महाराजा रणजीत सिंह दे टाइम ते वो कीर्तन करदा हुंदा सी। महाराज रणजीत सिंह ने कहा सी मैं कीर्तन सुनना, उन्होंने कहा भी कल नूं आयो चिट्टे वस्त्र पा के। सारे चिट्टे वस्त्र पा के आए तो फिर जदों उन्होंने बसंत राग गाया तो सारयां दे कपड़े बसंती कर दिते सन। राग विच बड़ी पावर है। ये रागां दे विच सारी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी रागां च है, बाकी बाणी गाउण दी हिदायत कीती है। इक्को ही बाणी राग तो बिना गुरु ग्रंथ साहिब विच जिहड़ी जपजी साहिब है वह जपण वास्ते है, बाकी सारी बाणी रागां विच है। गुरबाणी गावो भाई, जपजी साहिब जपण वास्ते हिदायत कीती है। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भेखारी दीए। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, दाता वो हुंदा जिहदे कोल कोई चीज़ थोड़ ना जावे। जिहदे कोल सारियां चीज़ां ना मिलन उह दाता नहीं हुंदा। किसे कोई चीज़ है देती उह दाता कहण लग गया ये नहीं गल है। जिहदे कोल सारियां चीज़ां मिल जाण एक कोलों, एक तां महाराज तू प्रभु है, तेरे तो बड़ा दाता कोई नहीं है। दान मत पूरा, एक मत भी तेरे कोल पूरी है, होर किसे कोल संसार विच बड़े बड़े महापुरश होए है। बली कंधारी वर्गे जिहड़े चक के पहाड़ नूं थल्ले सट दिंदे सी, वह भी गुरु नानक साहिब दे चरणां च जदों पहुँचे फिर माफ़ी मंगी सतगुरु नानक देव महाराज तों। साहिब कहण लगे इन्नी पावर पा के इन्नी कमाई करके इन्ना हाले क्रोध तेरे विचों गया नहीं है। समुंदर नूं अग लगी कभी देखी है, जे लग जाए तो बुझदी नहीं है। संत नूं तां गुस्सा चढ़ना ही नहीं चाहिए, तैनू गुस्सा कितना चढ़ गया, तेरे अंदरों हाले गल गई नहीं है। मुसलमान है ए हिंदू है, ये अंदरों तेरी गल हाले गई नहीं। ये तो जदों परमेशर की मत आ जाए वो अंदरों ही सारिया गल्लां निकल जांदियां। हिंदू सिख मुसलमान सब इक्को ही है। बली कंधारी पैरां ते डिगया, कहिंदे महाराज बख्श लो जी, कहिंदे हुण नहीं समा आए ते बख्शांगे। काजी जीवन ने लत मारी गुरु नानक साहिब दे, भावें मक्के दा काजी सी ओह, छोटा काजी जीवन सीगा, वड्डा राजी रुकनदीन सीगा। ईरान दे एक मुसलमान ने गल लिखी है, ताजुद्दीन मुसलमान है जिन्हें गुरु नानक साहिब दे दर्शन किए है,
उन्हें अपनी किताब में यह गल लिखी है कि गुरु नानक देव महाराज रान में बैठे से, मैं भी पहाड़ी पर गया, मेरा नमाज का टाइम हो गया, मैं क्या मैं उजू साजना, कहते सतगुरु जी कहते पानी इतने तेनों दे दिने, कहिंदा नाल मरदाना भी सी बाला भी सी तिन्ने सी ते मैं भी बैठा सी, कहिंदे बहुत बचा के बट्टा चक पानी मोरे पत्थर चक पहाड़ी ते बैठे सी, कहिंदे उह पत्थर चक्या पानी दे सुंब निकल के गुरु नानक साहिब दे चरणा ते जाके डिगया ते फिर दूजे पासे नूं गया, कहिंदा मैं कहा ये कोई बड़ा पावरफुल पीर है, जिहड़े ख्वाजे वर्गे भी इन्हां दे चरणा ते जा मत्था टेकदे आ। उन्हें बहुत कुछ अपनी किताब में लम्मा चौड़ा लिखिया, उन्हें लिखिया भी काजी जीवन ने आके झाड़ू फेरदा सी, जदों गुरु नानक साहब ने कहिंदा मैनू नाल लै गए सी गुरु नानक साहब, कहिंदा फिर मैं काजी जीवन ने झाड़ू फेरदिया फेरदिया देखिया एक बंदे दियां लत्तां मक्के आलू आ, उन्हें जाके माड़ा बोलिया, साहब कहन लगे मैं तो थकिया होया सी, जिधर तेरा गुरु रब का कर नहीं उधर नूं कर दे, लत्तां चक के परे नूं करतियां ते फिर झाड़ू फेरन लग गया, जां मुड़ के फिर देखिया मक्का लत्तां वाले नूं, उह कहिंदा फिर उन्हें लत्तां चक के परे कीतियां, दो तीन बार आया वह फिर झाड़ू फेरन लग जांदा सी, फिर जद उन्हें देखिया उन्हें कहा यह तो मक्का ही घूमी जांदा है, इहदियां लत्तां तां उत्थे ही पईआं, फिर उन्हें कहा जी हुण महाराज नूं बेनती की महाराज मैनूं अल्लाह चेते आवे, कहिंदे तेरे अल्लाह मन च बस जूगा, उहनूं तां किरपा होगी काजी जीवन नूं, काजी रुकन दीन आया 150 बंदा लै के, उन्हें दसिया 150 बंदे दे पैर धरती नाल जुड़ गए, कल्ला ही रुकन दीन आया, फिर उहदे पैर माड़े मोटे हिले जाके गुरु नानक साहिब दे चरणां ते मत्था टेकिया, एडे वड्डे अस्थान की सेवा करन वाले उह भी भुल गए, मत है नहीं सी मत जिहड़ा गुरु की लै के परमेश्वर की मत लै के आया, ये चीज़ उहदे कोलों ही मिलती है दूजियां कोलों नहीं मिलती, जिस धर्म नूं मैं मंदा नहीं किसी नूं कहिंदा, जिस मत नूं जिस धर्म नूं सारे मुसलमान कौम रब का घर मनदी है उहदे सेवकां नूं उहदे सेवादारां नूं मत दित्ती गुरु नानक देव महाराज ने, गलती सी माड़ी मोटी कमी सी सिर्फ सही कर दित्ती, उहनां नूं इह नहीं किहा, उह कहिंदे ठीक है भाई तुसीं लगे रहो पर रब सर्व व्यापक है, तुसी एक पासे ना मनो सर्व व्यापक है, सो सतगुरु जी कहिंदे तू प्रभ दाता दान मत पूरा, कई कमाइयां करके बड़े बड़े पुरश भुल गए, उन्हां नूं दान मत देण वास्ते गुरु नानक देव महाराज दा अवतार होया, वो मत फिर अगे तो अगे लै के बड़े बड़े महापुरश वो मत नूं अगे वंडदे रहे, हम थारे भिखारी जीओ महाराज असीं तां मंगते हैं जी, किड्डा वड्डा भी राजा दुनिया च होवे परमेश्वर दा मंगता है, महाराज तेरे तो मत लैण आए हैं भिखारी हाँ जी, बख्शिश कर दिओ अपनी मत बख्श दिओ, जिहनूं परमेश्वर की मत आ जाए परमेश्वर वर्गा ही हुंदा, जिहड़ा मुंडा पे वाली मत लै लवे कहिंदे अपने पे वर्गा ही है, जिहनूं गुरु की मत मिल जाती वह गुरु वर्गा ही हुंदा, मैं क्या मांगो कि स्थिर ना रहा जी, हर दीजे नाम प्यारी जीओ, महाराज एक चीज़ लैदा फिर मुड़ के वह मुकड़ रहनी है, शरीर छुट जाना इत्थे रह जानी, जिहड़ी चीज़ मंग ला वह सदा नहीं रहनी, सदा वास्ते परमेश्वर का नाम ही रहूगा, नाल भी उही जाऊगा, जे पेंडे महंत गुवारा हर का नाम संगू जी आरा, जहाँ पंथ तेरा को नस जानू हर का नाम ते नाल पछानू, एक साल का टाइम लगता जो बंदा शरीर छड़ जांदा धर्मराज की कचहरी तक पहुँचण दा, गरड़ प्राण छोटा जिहा ग्रंथ है हिंदू धर्म दे, जदों अंत समय ते वह पढ़ते है वो उहदे विच लिखिया होया भी एक साल का समा लगता जीव नूं कईआं नूं कुट दे ले जांदे आ कईआं नूं सत्कार नाल लै जांदे, उहदे विच दस्सिया भी किन्ना टाइम कित्थे तक लगता किन्ना टाइम कित्थे तक लगता, कहिंदे इक नाम तो बिना होर दूजी कोई गल जाणी नहीं है, जिहनूं इह मत आ गई, मैं बैठा सी बाबा जी दे इत्थे हंसाली चंगी लंबी लाइन लगी सी, सब दुनिया भी मंगा मंगी गए, कोई कहिंदे मेरे मुंडे दा नज़ला नहीं हटदा, कोई कहिंदा साडी मझ नहीं मिलदी, की ये गल्लां, महापुरशां तो वो चीज़ मंगो जिहड़ी लै के आए हो, सारी लाइन दे विच्चों एक बजुर्ग ने कहा जी नाम दी दात बख्शो, एक बंदे ने, बाकी जे मझ अज मिल पई कल फिर लत्तां मारन लग पऊ वो किहड़ा उत्थे पक्का सदा बात ही हो जांदा, मुंडे दा नज़ला दवाई लै लो महापुरशां तो नज़ले लैके जाना,
ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਮੁੰਗੇ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗ ਲਓ, ਬਹੁਤੇ ਧਨੀ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮੀਰ, 15,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਹਰਖੋਵਾਲ ਸੰਤ ਮਾਰਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਭਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਧੂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਪਖਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਕਿ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾ ਜੀ, ਮਾਰਾ ਕਿਸੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੀਜਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭੁਗਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਮੋਹਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਰੱਖ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਛੰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੂਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਏ ਰਗੁਪਤੋਂ ਵਰਤੇ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਥਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਵਰਤਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ।